ऐसा होता है ना, जब आपको कुछ पता लगता है तो आपको ऐसा लगता है यार सबको बताना है, यार सबको बतानी है ये चीज़। मुझे ऐसा लगता था कि ओह माय गॉड, मैं तो हाउस वाइफ बन गई हूँ। तो अब जब भी कोई परेशानी आती है ना, एक बात बोलूँ, मतलब ऐसे बोलना नहीं चाहिए बट मुझे थोड़ी एक्साइटमेंट होती है, क्या किया यार, मतलब क्या, मैं तो कभी सोच ही नहीं सकती थी। एक ओपन स्पेस में जाके छोड़ दिया मैदान में कि बेटा देख, जिंदगी में कुछ लाइनें कुछ कोट ऐसे होते हैं जिनसे आप 100, 200, 1000 एंड 1,000,000% रिलेट करते हो। बुरे समय में अंदर कुछ थलथलाया, बुरे समय में कुछ दिमाग में आया, बुरे समय में लगा क्या करना चाहिए, एक एक्शन लिया, कुछ एक्टिव लाइफ थी बुरे समय में। हाय गाइस, वेलकम बैक टू सेल्फ रिफ्लेक्शन विद ध्यानी जी। मैं पहले ही कह देना चाहती हूँ कि मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मैं बस ध्यानी हूँ और मैं बस ध्यान देती हूँ, चीज़ों पे रिफ्लेक्ट करती हूँ, अपने साथ बैठती हूँ, समझती हूँ चीज़ों को और देखती हूँ कि बस इतना ही करने से कितना कुछ समझ आ जाता है, कितनी नई चीज़ें पता लग जाती हैं। ऐसा होता है ना, जब आपको कुछ पता लगता है तो आपको ऐसा लगता है यार सबको बताना है, यार सबको बतानी है ये चीज़, बहुत सही चीज़ है, बहुत सही चीज़ है। एक्चुअल में वैसा ही होता है जब आपको कुछ भी सेल्फ रियलाइज होता है और आपको कुछ भी अच्छा पता लगता है। ओके, सो रिसेंटली मैंने एक लाइन पढ़ी थी एंड ये वीडियो आज सिर्फ उसके ऊपर ही है, मैं एक बार वो पढ़ के आपको सुनाना चाहती हूँ। सो इसमें यूनिवर्स कह रहा है सब लोगों से, आई एम सॉरी बट आई हैड टू मेक यू अनकम्फर्टेबल, अदरवाइज यू वुड हैव नेवर मूव्ड। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आई एम सॉरी जब जब मैंने आपको अनकंफर्टेबल बनाया, पर अगर मैं ना बनाती तो आप हिलते ही नहीं अपनी जगह से और जहाँ थे बस वहीं पड़े रहते और जिंदगी के नए रंग नई चीजों को कभी नहीं समझते। जिंदगी में कुछ लाइनें कुछ कोट ऐसे होते हैं जिनसे आप 100, 200, 1,000 एंड 4,000 एंड 1,000,000% रिलेट करते हो, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बार बार वो चीज़ देखी है। मैंने अपनी लाइफ में ये चीज़ 1,000 बार मैं देख चुकी हूँ कि जब जब मैं अनकंफर्टेबल हुई मेरी लाइफ में, मुझे ऐसा लगा कि ये बुरा समय है मेरी लाइफ में, मुझे लगा दिक्कतें आ गई हैं, प्रॉब्लम हो गई है, बहुत परेशान हूँ, बहुत दिक्कत चल रही है। बाद में मुझे पता लगा कि अगर वो नहीं होता तो मैं वहीं के वहीं रह जाती और मैं कभी सोच ही नहीं सकती थी कि मेरे लिए क्या अच्छा है और मुझे उस तरफ जाना चाहिए। और उस धक्का मुक्की में, उस प्रॉब्लम में मुझे नेचर ने, यूनिवर्स ने ऐसी जगह जाके फेंक दिया जहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि वाओ, क्या किया यार, मतलब क्या, मैं तो कभी सोच ही नहीं सकती थी। मतलब उस टाइम ऐसा लगता है कि यार मैं रेजिस्ट किस बात का कर रही थी, मैं क्यों परेशान हो रही थी, क्योंकि वो चीज़ ना होती तो मैं आज यहाँ ना होती, ये ना कर रही होती, इतना अच्छा नहीं होता, ये खुशी नहीं होती, ये चीज़ें नहीं होती, मैं कुछ नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मेरी शादी हुई और मैं US चली गई, वहाँ पे मैं काम नहीं कर सकती थी, पढ़ नहीं सकती थी कुछ समय के लिए और मैं बहुत परेशान हो गई थी। मुझे ऐसा लगता था कि ओह माय गॉड, मैं तो हाउस वाइफ बन गई हूँ, मैं किसी काम की नहीं हूँ, दुनिया वालों मुझे देख रहे होंगे, कह रहे होंगे ये तो निकम्मी नलायक घर पे पड़ी रहती है। कैसी कैसी सोच हो सकती है ना किस एज में, वो उस एज में मेरी थी। अब मुझे ऐसा लगता है कि पागल मेंटल, मतलब लाइफ ने मौका दिया है घूमो, शादी के बाद ज़िंदगी एंजॉय करो, ये अपना ही लेके बैठ गए। वो मैं अपना ही लेके बैठ गई थी, बट उस टाइम मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी भगवान ने बहुत मुश्किल बना दी, ऐसी जगह में आके लाके खड़ा कर दिया और बार बार मुझे महसूस करा रहे हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ। बट मेरी लाइफ का ना सबसे बढ़िया टर्निंग पॉइंट है वो, मैं वहाँ ना गई होती, वो ना छोड़ा होता ना, तो जो नौकरी कर रही होती ना उससे पहले वही नौकरी ज़िंदगी भर करती रहती, क्योंकि लाइफ ने धक्का मारा, एक ओपन स्पेस में जाके छोड़ दिया मैदान में कि बेटा देख, यहाँ तू नौकरी नहीं कर सकती पर तू जो पसंद आ रहा है ना तुझे, जो तुझे शौक है वो सब कर ले, जो मन है वो कर ले, कुछ भी नया शुरू कर सकती है, कुछ भी बढ़िया कर सकती है। तो हमेशा से सोचती थी ना कि यार वो पढ़ाई नहीं की जो पसंद है, वो काम नहीं किए जो पसंद है, अब मौका है कर ले जो करना है, बट मैं उस टाइम परेशान हो रही थी। लेकिन आज मुझे पता है कि मेरी लाइफ ने जो वो मुझे डिसकम्फर्ट में डाला ना, मेरे लिए बहुत बहुत अच्छा था, मतलब एक नंबर, मतलब बेस्ट, बहुत बढ़िया। ऐसे ही कई बार जब मेरी छोटी बड़ी लड़ाई हुई है लोगों के साथ, बचपन में किसी से ब्रेकअप हुआ है, आज मुझे पता चलता है कि भाई उस इंसान के साथ होते क्या टॉक्सिक होती ज़िंदगी यार, क्या बेकार होती ज़िंदगी, मुझे तो बिल्कुल अक्ल ही नहीं थी। नेचर ना फेंकती तो मैं तो धस जाती ज़मीन में, मतलब कहीं डूब के मर जाती। पर इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब मैं ये अब समझ चुकी हूँ ना, अगर मैं जेन्युइनली समझ चुकी हूँ तो जब नई परेशानी मेरी लाइफ में आएगी, जो मुझे परेशानी लग रही है, ऑफकोर्स एक सिचुएशन है वो, बट मुझे परेशानी की तरह दिख रही है, तब क्या मैं ये सोच पाती हूँ, तब क्या मैं ये बात याद रख पाती हूँ। तो मैंने ऐसा देखा है कि 90% ऑफ द टाइम्स मैं ये बात ध्यान में रख पाती हूँ, क्योंकि इतनी बार सेल्फ रिफ्लेक्ट कर लिया है ना
अपनी लाइफ के हर एक एक किस्से को इतना तोड़ मरोड़ के देख लिया कि समझ आ गया कि भाई वो बुरा समय तो बहुत ही अच्छा समय था। अच्छे समय में तो हम सो रहे थे, अच्छे समय में तो बस खाना खा रहे थे और डूब रहे थे और सो के लेट उठ रहे थे और बस कुछ नहीं कर रहे थे। बुरे समय में अंदर कुछ थलथलाया, बुरे समय में कुछ दिमाग में आया, बुरे समय में लगा क्या करना चाहिए, एक एक्शन लिया, कुछ एक्टिव लाइफ थी बुरे समय में। अच्छे समय में तो बहुत ही ढीली लाइफ थी। तो अब जब भी कोई परेशानी आती है ना, एक बात बोलूँ, मतलब ऐसे बोलना नहीं चाहिए बट मुझे थोड़ी एक्साइटमेंट होती है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि यूनिवर्स कह रहा है बेटे बहुत हो गया आराम, बहुत हो गया ये, मतलब एक ही लेवल पे रहना, अब ज़रा निकलो यहाँ से, थोड़ा धक्का वक्का मारे। तो मैं सोचती हूँ कि यार भगवान मुझे कुछ ना कुछ बताने आ रहा है, कुछ ना कुछ चेंज लाने वाला है, अच्छा ही होगा, बस 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 झेल ले जो भी प्रॉब्लम है, झेले झेले झेले। एंड उस टाइम मैं ऐसे सोचती हूँ, मैं परेशान हो रही होती हूँ, इतनी संत नहीं हुई हूँ कि परेशान ना हो रही हूँ, मैं परेशान भी हो जाती हूँ, चिड़ भी मचती है, दुख भी होता है, पर कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड वो आवाज़ रहती है कि अच्छा होने वाला है और तू पक्का 101% कुछ महीने बाद बोलेगी कि यार कितना सही हुआ ना। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ, आप सब लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये मेरी ना एक बहुत डीप लर्निंग है कि भाई अगर लाइफ में मतलब कुछ भी बुरा हो रहा है ना, वो भले से भी भला है। बैड टाइम्स आर एक्चुअली गुड टाइम्स, ग्रेट टाइम्स, बस आपको ना उनको देखना पड़ेगा, आपको उनको समझना पड़ेगा। और इसमें सबसे ज़्यादा काम आता है आपके पास्ट इवेंट्स, आपकी पास्ट की चीज़ें, आप उनको एक बार देखो, उनको एक बार सोचो, समझो वो चीज़ें क्यों हुई, क्या दिक्कतें थी, समझो कि उनके होने की वजह से आज आप कहाँ हो, अगर आप वहाँ होते तो कैसी ज़िंदगी होती, अगर आपकी मनमानी चल रही होती तो क्या लाइफ बहुत अच्छी होती। अपने आप से क्वेश्चंस पूछने बहुत ज़रूरी हैं, अपने आप से बातें करनी बहुत ज़रूरी हैं। एंड जितनी बार भी आप सच्चाई से बेवकूफ़ बनाने के लिए नहीं 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 मैं तो वहीं खुश होती, नहीं यार नहीं 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 मुझे नहीं पता मैं तो वहीं खुश होती क्योंकि बस अभी मन है वहाँ रहने का, नहीं, टाइम होने दो, टाइम बीतने दो, हील होने दो, सब कुछ ठीक होने दो, उसके बाद जब खुश मन में होगे, आराम मन में होगे, तब खुद को जवाब देना कि क्या जो हुआ वो सही हुआ या नहीं। 100 में से 99% और 100% टाइम्स ये लगेगा कि बहुत सही हुआ जो हुआ, मेरे बस की तो कुछ भी नहीं थी, मेरे में तो बिल्कुल अकल नहीं है, और लाइफ कर देती है तो हो जाता है, अनकंफर्टेबल बना देती है, धक्का दे देती है तो भाई निकल लेते हैं, नहीं तो हम तो हिलने के भी नहीं है कहीं एक जगह से। सो इसीलिए आज सबको मैं यही कहना चाहती हूँ, आप सबको जो भी मेरी वीडियो देख रहे हो और देखते हो, कि अपनी ना सारी लाइफ के किस्से ले लो, जो बुरे समय लगे थे, जब लगा था ज़िंदगी बेकार होगी, सब बेकार है, कुछ भी बढ़िया नहीं है, और उनको एक एक करके बस देखना, समझना कि उन चीज़ों से क्या अच्छा निकला, उन चीज़ों से यूनिवर्स ने कहाँ धक्का दिया जो आपके लिए आज सही है। ज़रूर आपको बहुत सी मैजिकल चीज़ें मिलेगी। एंड इम्पॉर्टेंट बात ये होगी कि आप ये समझ पाओगे कि भाई जो अच्छा दिखता है ना, कई बार उसके साथ उसके पीछे परेशानी अटैच्ड होती है, और जो बुरा दिखता है ना, ज़रूरी नहीं है हमेशा बुरा हो, बाद में जाके पता लगता है कि यार उसके पीछे तो बहुत अच्छाई छुपी थी, उसके पीछे तो बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें छुपी थी, तो बुराई आ रही थी बट बहुत कुछ अच्छा लेकर आ रही थी, और कई बार अच्छाई दिख रही थी, बढ़िया लग रहा था, कुछ आ रहा है, लेकिन पीछे से बहुत मुसीबत आ रही थी। मेन चीज़ जो हम कर सकते हैं वो ये है कि भाई जो भी आ रहा है, जैसा भी आ रहा है, इट्स ओके, जो भी आ रहा होगा उसमें से क्या बढ़िया निकाल सकते हैं, अगर वो खुशी है और वो मज़ा है और वो आराम है, हैप्पीनेस है, तो इन्जॉय करते हैं फुल ऑन। और अगर वो कोई बुरी चीज़ दिख रही है, कोई परेशानी दिख रही है, तो ठहरते हैं, समझते हैं, सोचते हैं कि इसमें मेरे लिए नेचर ने क्या लेसन छुपा के रखा है, इसमें मेरे लिए क्या बदलाव की ज़रूरत है जो मैं नहीं कर रही हूँ, इसमें क्या ऐसा है जो मैं आज नहीं समझ रही पर कल मेरे लिए अच्छा होगा। और जब आप ऐसे सोचने लगोगे, जब आप ऐसे देखने लगोगे लाइफ को, तो दुख जैसी चीज़ ना अपने आप ही बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि सामने वाली चीज़ लगेगी यार इट इज़ एज इट इज़, ठीक है, एक सिचुएशन है, बुरी भली क्या है, मतलब क्या बुरा है और क्या भला है, और मैं तो जज कर ही नहीं सकती, मेरे को तो अब ये हो गया मैं तो जज कर ही नहीं सकती, तो क्या भला है क्या बुरा है, आने तो सिचुएशन है, डील करना अच्छे से देखते हैं, कैसे बेस्ट दे सकते हैं वो सोचते हैं, एंड बाकी सब अपने आप बढ़िया हो जाएगा। तो आप सब लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, और आपकी लाइफ के क्या कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो कि यार यस एक्चुअली प्रमिला हमारी लाइफ में भी ऐसा हुआ था एंड उसके बाद हमें पता लगा कि वो चीज़ बहुत सही थी। तो कौन सा आपका ऐसा बुरा समय है जो बाद में बहुत अच्छा समय बन गया, आपको लगा बहुत बढ़िया हुआ जो भी हुआ, मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना।